इसे 15A2 ये 2 है, ये 2 है, 15A5 ये 7C बस का आखिरी स्टॉप है बफर जोन। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर वो डीसी से बंदे आए थे अपने लेके, शवल वगैरह लेके आए थे, सभी तोड़ के गए। किस दिन की बात है ये? कल रात की मतलब शाम को लेके रात तक लगे रहे। तो अंदाजन क्या कह रहे हैं वो? पता नहीं, बस आए और तोड़ के चले गए। अच्छा। नाजायज बनाया तोड़। अच्छा, उनका कहना है ये नाजायज बना हुआ है, आप क्या समझते हैं? हमें तो पता नहीं, बनाया तो गवर्नमेंट ने था ही, ये सब गवर्नमेंट के लेवल पे बना हुआ था, वो भी तोड़ गए। ये जो है ये गवर्नमेंट के लेवल पे बना, मतलब सड़क चौड़ी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, ये नहीं बताया। तो दुकानें भी बहुत सी सील हुई हुई हैं यहाँ पे, दुकानें सील हुई हुई हैं, दुकानें भी सील हुई हैं और वो तो सही हो गई हैं, एक तो है अभी सील, बाकी तो सब हो। वीडियो बनवाएं अपने कारोबार की तरक्की के लिए, इस नंबर पर वॉइस नोट भेजिए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, एक और जगह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई और ख़त्म भी कर दी गई। रातों रात मशीनें चलाई गईं और तमाम की तमाम तजावीज़ात का ख़ात्मा किया गया। कहाँ? यह है डीसी ऑफिस से लेके 7C के स्टॉप तक की रोड, यानी कि जाने वाला रूट भी और आने वाला रूट भी, जहाँ पे मशहूर ज़माना बिरयानी सेंटर्स हैं, बहुत से पकवान सेंटर हैं, लगभग 12 के करीब पकवान सेंटर हैं, तंदूर हैं यहाँ पर, जिनके काफ़ी बड़े हिस्से को डिमोलिश कर दिया गया और बड़ी तादाद में दुकानों को सील भी किया गया। अभी रात को ही ये सब तोड़ा गया और देखें, अब लोगों ने दोबारा अपने काम शुरू कर दिए और ये मनाजिर आप जा बजा देखेंगे। ये सब दुकानें जो बनी हुई हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये होटल बना हुआ है, मतलब जिसका जहाँ दिल चाहा उसने वहाँ पे अपना हिसाब किताब सेट किया और कारोबार शुरू, क्योंकि कारोबार करना बहुत ज़रूरी है भाई, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं। तो लीजिए भाई, कराची को खूबसूरत बनाने की जो मुहिम है उसके तहत कराची में मुख्तलिफ जगहों पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। ये हाजी बशीर अहमद शीरमाल हाउस का अशर आप देख रहे हैं और उसके बराबर में ये चिकन सेंटर, ये घर देखें भाई आप, वो बाउंड्री वॉल पीछे वाली है, घर की बाउंड्री वॉल 8 फीट बाहर निकाल ली तकरीबन और गेट भी दूसरा लगा दिया। यहाँ से हम आपको दिखाते हैं इसका ओरिजिनल गेट, वो रहा पीछे पुराना गेट इसका जो ओरिजिनल गेट है, ये आगे एक और नया गेट दीवार बना के लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, तो मैं बता रहा था कराची को ख़ूबसूरत बनाने की मुहिम इस वक्त शुरू हुई भी है काफ़ी अरसे से, और मुख्तलिफ जगहों पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव मुसलसल हो रही है और बसा औकात तो रात में भी हो रही है भाई। शादी हॉल वाला ले लेना आप, गुलबर्ग के शादी हॉल रात में तोड़े गए, शादी ख़त्म की रात 12 बजे और उसके बाद हॉलों को तोड़ दिया गया, 2-2, 3-3 बजे तक रात गए लगे रहे, लेकिन सब कुछ क्लियर कर दिया, 22 हॉल वहाँ पे तोड़े और अब भी यहाँ की बारी आ गई है। जितनी भी जगह फुटपाथ पे घिरी हुई थी सबको तोड़ा जा रहा है और सबको क्लियर किया जा रहा है, जो घर आ गए थे बाहर उनको भी तोड़ा गया है, और ये शाम को बहुत देर से शुरू हुई कार्रवाई और रात गए तक जारी रही। इस तरीके से इस पूरे इलाके की असर नौ और सड़कों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, और ये पहला हिस्सा। ये लीजिए एक और तंदूर भाई, हाजी कासिम शीरमाल हाउस, या शीरमाल बहुत खाते हैं लोग लगता है, ताफ्तान और शीरमाल के हाउसेस बने हुए भाई, हर घर में ही तकरीबन, हर दूसरे तीसरे घर में मौजूद है। तंदूर का मलिया मेट कर दिया भाई तंदूर को, तो चलें भाई और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ आखिर तक रहिए। ले भाई हुसैन इस्टेट, यानी कि ये तो दुकान सील कर दी गई है और ये दुकान घर से बाहर बनी हुई है, ये भी बताते चले। देख रहे हैं आप, आपको मेन गेट नज़र आ रहा है पीछे और दुकान बाहर है,
यानी कि अब आप सोच लें यहाँ से आपको क्या चीज़ें मिलती होंगी। ये देखें आप फुटपाथ यहाँ से आपको सही तरीके से नज़र आ रही है। ये दुकान भी सील हुई हुई है, जा बजा दुकानें सील हुई हुई हैं। गाड़ियों के धोने का सिस्टम, मैकेनिक सिस्टम सब यहाँ मौजूद है। लो भाई एक हीरोइनची आ गया है, उसका घर का मालिक भी आ गया है। हीरोइनची सरिया निकालने के लिए आया होगा यकीनन, ताकि उसको बेच के अपने नशे की ज़रूरियात पूरी करें। तो चले व्यूअर्स, इस मालिक से ही पूछते हैं यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी जगह है, सब कुछ जानते हैं अमीन साहब से। ये अपना है। आप ये इलाका कौन सा है? ये 7C बस का आखिरी स्टॉप है बफर जोन। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर वो DC से बंदे आए थे अपने लेके, शवल वगैरह लेके आए थे, सभी तोड़ के गए। किस दिन की बात है? कल रात की। मतलब शाम की, शाम को से लेके रात तक, रात तक लगे रहे। तो अंदाजन क्या कह रहे हैं वो? पता नहीं, बस आए और तोड़ के चले गए। अच्छा। नाजायज बनाया हुआ तोड़ लो। अच्छा, उनका कहना ये नाजायज बना हुआ। आप क्या समझते हैं? हमें तो पता नहीं, बनाया तो गवर्नमेंट ने था ही। ये सब गवर्नमेंट के लेवल पे बना हुआ था, वो भी तोड़ गए। ये जो है ये गवर्नमेंट के लेवल पे बना। मतलब सड़क चौड़ी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पता नहीं, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया उन्होंने। तो दुकानें भी बहुत सी सील हुई हुई हैं यहाँ पे। दुकानें सील हुई हुई हैं, दुकानें भी सील हुई हैं और वो तो सही हो गई हैं। एक तो है अभी सील, बाकी तो सब हो गई। चले शुक्रिया। ये सेक्टर कौन सा लगता है? ये सेक्टर ये 2 है, वो 5 है सामने। क्या 2? क्या आगे पीछे? 15A2। ये 2 है, ये 2 है, 15A5। 15A5 ये। चले व्यूअर्स, तो 7C के स्टॉप की तरफ और आगे लिए चलते हैं और मज़ीद नज़ारे कराते हैं इस इलाके के। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो कि डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के तहत इस इलाके में की गई, जैसे कि आपने जाना यहाँ के रेजिडेंस से। ये सामने हरी मस्जिद है, 7C का आखिरी स्टॉप है ये। अब यहाँ पे सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और इस इलाके की रौनकें मज़ीद दोबाला हो जाएंगी। लो भाई काम शुरू हो गया, अभी 12 घंटे नहीं गुजरे हैं, दोबारा से काम शुरू कर दिया गया है, मज़दूर मिस्त्री लग गए हैं। गर्स के हर घर में दुकान मौजूद है, यहाँ भी मज़दूर लग गए भाई, काम हो रहा है। वाह वाह वाह, ये होती है बात भाई, ये है कार्रवाई और उसके बाद का रद्देअमल। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं और घरों में कारोबार चल रहा है, ये है सिस्टम। यहाँ भी कार्रवाई जा रही है, शटर नए सिरे से लगाने का बंदोबस्त हो रहा है, सफाई हो रही है शटरों की। ये देखें शटर सेट हो रहा है भाई, कोका कोला का शटर सेट किया जा रहा है भाई। चलें और आगे बढ़ें, ये देखें आप सब गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं बाकायदा। ये सब इन घरों की गाड़ियां हैं जो रोड पे खड़ी की हुई है, और घरों में ब्यूटी सैलून खुले हुए हैं, तंदूर खुले हुए हैं, पकवान सेंटर खुले हुए हैं। ये लीजिए एक और आ गया भाई, मोहम्मदी पकवान, फूड सेंटर्स काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पे। ये एक और शॉप्स का सेटअप जो कि सील हुआ हुआ है बाकायदा, DC की सील लगी हुई। और ये है डेली कॉलेजेट, ऊपर है डेली कॉलेजेट, ज़बरदस्त हो गया भाई। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्रवाई भाई शहर में हर जगह जारी है, चाहे वो नॉर्थ नाज़ाबाद का ब्लॉक एम हो, चाहे वो गुलबर्ग हो, चाहे फेडरल बी एरिया हो, चाहे करीमाबाद हो, चाहे सिंधी होटल हो, चाहे कोई भी जगह है, सब जगह कार्रवाई हो रही है। देखें भाई, देख रहे हैं आप, ये भी एक फूड चेन बनी हुई है, सब ग्रिल व्रिल लगी हुई थी प्रॉपर तरीके से, पूरी फुटपाथ को कंट्रोल में किया हुआ था, मुकम्मल तौर पे तहस नहस कर दिया गया सब कुछ। तो भाई ये तबाही इस पूरे एरिया में फैली हुई है, और ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी, आला सदारती हुकूमती सतह पे ये बात तय किया गया है कि जल्द से जल्द पूरे शहर में जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, साफ़ सुथरी सही सड़कें बनाई जाएं, ताकि अवामुन नास को फ़ायदे पहुँच सकें। देख रहे हैं आप ये चौड़ाई, किस कदर चौड़ी जगह थी ये जहाँ पर ये सब ग्रिल वगैरह लगी हुई थी, गलियों में भी ग्रिल लगी हुई थी, वो सब भी उतार दी गई है। लेकिन अब दोबारा से काम शुरू हो गया है, अब दोबारा से इनको सेट किया जा रहा है, ज़बरदस्त भाई।
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ये सब कुछ किया जाता है और फिर वही ख़तरे की तलवार लटकती रहती है लोगों के सरों पे कि फिर वो काम आएंगे और फिर इसे तोड़ देंगे। लेकिन समझ नहीं आता कि कब ये समझ में आएगा इन सब लोगों को। यहाँ भी सब मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। ये एक और आप देख रहे हैं, आउटलेट्स बने हुए हैं घरों के नीचे, मदनी पकवान सेंटर, इसके तो यहाँ पे कई आउटलेट्स हैं। और ये सब रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, 120 गज़, छोटे छोटे घर हैं ये, जहाँ सब दुकानें बनी हुई। ये एक और तंदूर तोड़ दिया गया है और उसकी भी तामीर का काम दोबारा से शुरू कर दिया। यानी 12 घंटे नहीं गुजरे अभी, रात गए ये कार्रवाई हुई और दोबारा से अब दोबारा बनना शुरू हो गया। ये हैं हम और ये हैं हम पाकिस्तानी। शीरमाल मैंने बताया ना, बहुत खाई जाती है भाई यहाँ पे। ये एक और मदनी बिरयानी हाउस आ गया, कई दुकानें इसके यहाँ पे, कई सेटअप बने हुए। चले भाई और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने आपको डीसी ऑफिस से 7C के आखिरी स्टॉप तक और फिर 7C के स्टॉप से डीसी ऑफिस तक का हमने आपको ये राउंड करा रहे हैं हम। ये एक और देखिए आप, ये ऑटो शॉप है, आदिल ऑटो शॉप। यहाँ भी दीवारें बनी हुई थी, उन सबको तोड़ दिया गया है, गेट अभी भी बाहर है। यहाँ भी अल मुस्तफ़ा पकवान सेंटर पे भी कार्रवाई की गई। यहाँ भी ग्रिल वगैरह लगी हुई थी, इन सबको डिमोलिश कर दिया गया है और फुटपाथ की जो सरकारी ज़मीन है उसको वागुजार कराया जा रहा है। और ये अमल ना सिर्फ यहाँ बफर जोन में बल्कि और दीगर हिस्सों में भी शहर के जारी और सारी है। जी व्यूअर्स, तो ये थी एक अपडेट डीसी ऑफिस बफर जोन के इलाके की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।